फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस की बात करते हैं। यह एक डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटन बॉडी होती है, इसलिए इसे फ्लैट वर्म्स कहते हैं। जनरली ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट रहते हैं। प्लेटफॉर्म्स में बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और असिलोमेटेड एनिमल्स होते हैं। इनमें जो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है क्योंकि इनमें सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और जैसे कि टीनिया सोलियम, इनके एग्जाम्पल में टीनिया सोलियम आ जाता है, इसे टैपवर्म कहते हैं, और फेसियोला लिवर फ्यूक। डाइजेस्टिव सिस्टम ने बता ही दिया कि इसके अंदर इनकम्प्लीट होता है, इसमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये जो होस्ट है उसकी बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। इनकी स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती है वो फ्लेम सेल्स कहलाती है, जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इसके अलावा इनमें नर्वस सिस्टम होता है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जो कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है।